नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आपको बताते चलें, वहां एक नाबालिग दलित छात्रा को पहले अगवा कर एक होटल में ले जाया गया। वहां उनके साथ रेप की कोशिश भी की गई। नापाक मंसूबे में विफल रहने पर आरोपी युवक ने दलित छात्रा को जबरन जहर पिला दिया और उसके बाद उसे जंगल में फेंक दिया। जी आपको बता दें, परिजनों ने अपनी बेटी की तलाश कर रहे हैं। वहीं बेशुद्ध हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जहां नाबालिग छात्रा की मौत हो गई, वहीं बताया जा रहा है कि पीड़िता के परिजनों की ओर से शुरुआत में इस बाबत पुलिस में तहरीर नहीं दी गई थी। वहीं बाद में पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया और आरोपी मुस्लिम समुदाय का युवक नाबालिग छात्रा के ही गांव का रहने वाला था। यह आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला था। हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। वहीं जबरन दल ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। जी आपको बता दें, साथ ही आरोपी को फांसी देने की भी मांग की गई है। देर रात पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी साहिल को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन की गई है। जी आपको बता दें, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आगे